हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में नेक्स्ट जो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट का जो दूसरा नाम है उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी। तो जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में बात की थी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो मॉलिक्यूल में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, वो भी परमानेंट इफेक्ट होता है। और रेजोनेंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, हम बात करेंगे कि जैसे हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लस आई इफेक्ट, एक होते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसी प्रकार से जो रेजोनेंस है या मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, एक होता है माइनस एम इफेक्ट। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा, ऐसे कोई ग्रुप ही होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा शो करते हैं, प्लस एम शो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम यहाँ पे अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट। तो पहला जो इसका पॉइंट है, रेजोनेंस आर परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है और डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर का होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑपरेट ओनली इन अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड सिस्टम में ही ऑपरेट होता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है तो वो अभी हम देखेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे थे ना इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने एग्जांपल पढ़ा था CH3, CH2 एंड Cl की, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये कम्प्लीटली क्या है, सैचुरेटेड है। अच्छा, ये सैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट होता है। जबकि जब हम अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड सिस्टम मेरे वे सिस्टम होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंडिकेट कर रहे हैं ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। जबकि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये कौन सा है, सैचुरेटेड सिस्टम का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, हैविंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है डबल सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव क्रम में होने चाहिए। अब जरा इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है द इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम अ मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू दी एडजेसेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरा डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये देखो हमने क्या किया, जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं ना हम, ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी प्रकार से ये जो OCH3 ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी ग्रुप, क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी ग्रुप। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो यूनिट है ना सी डबल बॉन्ड सी, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं, स्टैंडर्ड। और इसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं अनदर ग्रुप की, कि ये ग्रुप किस प्रकार का इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन एटम को क्या मान लेते थे, वहाँ पे स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। जैसे हम क्लोरीन की बात कर रहे थे, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इसको किस प्रकार से समझेंगे, ये मेरा कार्बन एटम है, ये क्या है, ऑक्सीजन एटम है। अब ऑक्सीजन एटम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा, मूव करेगा। हमें पता है कि जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का कम्प्लीटली क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इंडक्टिव इफेक्ट से मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे CH3X की बात कर रहे थे, माना ये हेलोजन है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हैलोजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ रहा था और यहाँ पे सी के पास क्या आ रहा था, पार्शली पॉजिटिव आ रहा था। यहाँ पे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली ट्रांसफर यहाँ पे होगा तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, होगा क्या कि ये जो कार्बन है, कार्बन ने क्या किया, जैसे ही ये पाई बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींचा क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के पास पार्शली क्या आ गया, सॉरी कार्बन के पास कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये कार्बन अनस्टेबिलिटी फील करेगा और इसको स्टेबिलिटी कौन देगा, इसके एडजेसेंट में जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा हमारे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस ग्रुप के लगने से क्या हुआ, इसने क्या किया, इस जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप ने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी ओर ली है, यानी कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर लिया है। तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर मूव करवाते हैं, तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये जो एग्जांपल हमने ऊपर लिखा हुआ है ये एग्जांपल शो करेगा माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर मूवमेंट करवाएगा। इस एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है OCH3, ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया, यानी कि ये जो OCH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, प्रोवाइड करा रहा है। तो यानी कि OCH3 कैसा ग्रुप हो गया, ये प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हो गया। तो जब हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें हम दो इफेक्ट की बात करते हैं, एक बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट करने वाले ग्रुप, एक बात करते हैं माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। तो पहले समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो हमने स्टैंडर्ड लिया है वो लिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो पहले हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीन को लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोरीन ले लिया। अब आपको क्या देखना है कि यदि जो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड मेरा एटम है उसके पास यदि लोन पेयर प्रेजेंट है, यदि उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो जितने भी मैंने यहाँ पे एटम लिखे हुए हैं या मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे क्या लगाते हैं, हमने BR ग्रुप लगा दिया, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। अब ये कार्बन है, BR है, तो इसके एडजेसेंट में ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, BR के पास लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर हम BR की बात करें, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक इसने बना दिए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, यानी कि 3 लोन पेयर बचे होंगे। तो इनमें से एक लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर देता है किसमें, मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये जो ग्रुप होगा या ये जो एटम होगा वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इसी प्रकार अगर हम OH की बात करते हैं, यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया। अब OH ग्रुप इस कार्बन के एडजेसेंट में कोई एक ऐसा एटम है, नेक्स्ट वाले एटम पे आप अभी मत देखिए, हमें केवल पहले चेक करना होता है कि जो हमारा फर्स्ट एटम है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है या लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो हमने देखा कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोवाइड कराएगा सिस्टम में, और जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ऐसे ही अगर SH की बात करें तो सल्फर के पास भी क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। ऐसे ही NH2 की बात करें, देखो नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिए, 1 इस कार्बन के साथ पार्टिसिपेट कर दिया।
अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डोनेट कर सकता है, यानी कि जो NH2 ग्रुप है वो प्लस M इफेक्ट को शो करेगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम देख रहे हैं क्या, अगर डबल बॉन्ड, ये मेरे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन है और इसके बाद कोई भी एक एटम यहाँ पे देखना है, माना कोई ग्रुप है, जैसे हम NH2 की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट एटम में यदि क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो ये ऑब्वियसली ये ग्रुप क्या शो करेगा, ये ग्रुप शो करेगा प्लस M इफेक्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो प्लस M इफेक्ट में क्या ध्यान रखना है कि लोन पेयर चेक करना है कि कार्बन के बगल वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं। देखो अगर आपको किसी ने पूछा, क्या पूछा कि Nr2, ये जो है हमारा Nr2 जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस M इफेक्ट शो करेगा या माइनस M इफेक्ट शो करेगा, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सर ने बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हम एज आ रेफरेंस यूनिट मानते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट में, और इसके नेक्स्ट वाले एटम में यदि लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो प्लस M इफेक्ट शो करता है। तो Nr2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लोन पेयर क्या करेगा, अपनी डोनेट कर सकता है, तो Nr2 भी प्लस M इफेक्ट यहाँ पे शो करने वाला है। ये तो बात कर दी हमने प्लस M इफेक्ट शो करने वाले एटम या ग्रुप किस प्रकार से हमें इनको चेक करना है। अब बात करते हैं माइनस M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। देखो जब हम माइनस M इफेक्ट की बात करते हैं तो माइनस M इफेक्ट में तो आपको जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट में किसी ग्रुप को देखना है प्लस M या माइनस M, तो सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लिख देनी है, ठीक है। अब यदि आपको किसी ने बोला कि ये जो सी एच ओ ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो आपको इसके जस्ट बगल में सी एच ओ ग्रुप लगा देना है, ठीक है। हमने लगा दिया सी एच ओ यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हमने लगा दिया। अब आपको क्या चेक करना है कि इस कार्बन के बगल वाले जो एटम है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये चार बॉन्ड का फॉर्मेशन इसने कर दिया, 1 2 3 4, यानी कि इसके पास जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर कार्बन के पास कितने, जीरो हैं। तो यदि इसके पास लोन पेयर जीरो है तो ये डेफिनेटली कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस M इफेक्ट शो करेगा। और माइनस M इफेक्ट कैसे शो करेगा, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी ओर पुल कर देता है, ठीक है। तो जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस कार्बन के पास कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करवाता है, जिसके कारण यहाँ इस सिस्टम पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इसीलिए ये जो इफेक्ट है ना माइनस M कहलाता है, क्योंकि ये इस सिस्टम को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है। जबकि अगर प्लस M की बात कर रहे थे, वो इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसलिए वो क्या कहलाता है, वहाँ पे प्लस M इफेक्ट शो करने वाले कंपाउंड कहलाते हैं। यदि आपसे किसी ने बोला कि NO2 किस प्रकार का इफेक्ट शो करेगा, तो आप ऐसे मत कर लेना कि सर ने बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो आप ऐसे मत कर देना कि आप यहाँ पे NO2 लिख के अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करा देगा और ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, तो ये गलत है, ठीक है। आपको पहले NO2 की स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि NO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है। यदि हम NO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके पास NO2 जब भी हम लिखते हैं ये एक न्यूट्रल एटम होता है, यानी कि नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड को बनाता है, तो दो एक ऑक्सीजन के साथ बना देगा, एक ऑक्सीजन के साथ ये बना देगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या कर देगा, इस प्रकार से हम NO2 ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लिखेंगे तो इस नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 चार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया।
इस केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? मैंने क्या बोला था कि यदि इस कार्बन के नेक्स्ट वाला जो एटम है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है तब वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो माइनस एम इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। और इसमें माइनस एम इफेक्ट किस प्रकार से शो करेगा, देखो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब होता क्या है कि ये यहाँ पे जाता है, इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए ये क्या करता है, इस वाले सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो यानी कि ये क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट को शो करेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें सी डब्लो एच की, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और यहाँ पे यदि हम देखना चाहते हैं, हमने चेक करना है कि ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो हमें सिंपल क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख लो, यहाँ पे क्या है एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो सीधे सीधे ये क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट को शो करेगा। तो ये था हमारा एक आसान सी ट्रिक थी जिसमें आपको पता चल गया होगा कि माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप का। और ये जो ट्रिक मैंने बताई है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको ये ट्रिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगने वाली है। देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान में रखी थी कि जो प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इनक्रीज करते हैं, ठीक है, और जो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को इनक्रीज करते हैं, और ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, यदि आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, या आपको कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, तो आपको ऑर्डर क्या, अभी देखो हमने क्या बोला था कि प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और प्लस एम भी इंक्रीज करना है, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्रायोरिटी का ऑर्डर जो होता है प्लस एम को प्रायोरिटी दी जाती है, देन हम किसको देते हैं, प्लस आई को प्रायोरिटी देते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये आपके पास चार कंपाउंड दे रखे हैं, चारों के चारों कार्बोकैटायन हैं, आपको क्या करना है, इनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा सबसे कम स्टेबल होगा, तो हम इनको किस प्रकार से चेक करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हम बी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बी में कोई भी ग्रुप नहीं अटैच्ड है। ये इसके पास कार्बोकैटायन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर। ये कार्बन जो है कब स्टेबल होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा, तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को ऊपर खींच लेता है, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस प्रकार से बनेगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो कार्बन इसके ऊपर हाइड्रोजन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये वाला बेंजीन में ये वाली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पोजीशन होती है मेटा पोजीशन, ठीक है, मेटा पोजीशन, और ये जो पोजीशन होती है तीसरी, ये होती है हमारी पैरा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी मेटा पोजीशन होगी, यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन होगी, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये क्या है, पैरा पोजीशन है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये किस किस पोजीशन पे जा सकता है। अभी हमने क्या देखा कि जैसे ही ये पाई बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पाई तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हैं। अब ये जो कार्बन है ये अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है ना, क्योंकि अब इसके पास पॉजिटिव आ गया तो ये दूसरे वाले कार्बन से पाई बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसके पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये वाला डबल बॉन्ड यहीं पर रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना तो इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था पहले ऑर्थो पोजीशन पे था,
ऑर्थो के बाद ये मेटा पे नहीं गया, ये सीधा कहाँ पे आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया। इसी चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ना, ये फिर से अनस्टेबिलिटी शो करेगा। ये क्या करता है, ये फिर ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा और इस प्रकार से ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, बाकी जो सिस्टम है वो सेम वैसे ही रहेंगे। अब जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये कार्बन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, ऑर्थो एंड पैरा पे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका रीज़न अभी आपको पता चलने वाला है। अब ये जो कार्बन है ना, ये फिर से अनस्टेबिलिटी शो करेगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड फिर से खींच लेगा। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ से खींचेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड था ये फिर से सिंगल हो गया, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। तो रेजोनेंस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, रेजोनेंस में इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है पूरे सिस्टम में, ठीक है। और जितना ज़्यादा हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, जितना लंबा हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल में रोटेट करेगा। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में रोटेट करेगा, या जितनी ज़्यादा हमारी ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी बनेगी, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करें, ये एक टाइम पे यहीं पर स्टेबल नहीं है। जैसे ही इसके पास पॉजिटिव आ रहा है, ये यहाँ से पाई बॉन्ड को खींच रहा है और ये स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर ये इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, देन ये होता रहता है, जिससे इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। तो कार्बोकैटायन इस प्रकार से स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन रिंग में, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, या किस पोजीशन पे आ रहा है, पैरा पोजीशन पे, है ना। या तो इस इन वाली पोजीशन पे आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, ये कौन सी, ऑर्थो। मेटा पे हमारा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हम बात करें, ये OCH3 है, ठीक है। अब OCH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, यदि आपको ध्यान नहीं है, रटने की जरूरत तो यहाँ पे है नहीं, तो आप लिख दो OCH3 और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस प्रकार से, क्योंकि ये तो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है। और इस कार्बन से जो नेक्स्ट वाला एटम है, उसके पास देखो लोन पेयर है कि नहीं है, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और हमने ये भी देखा है कि अगर कोई ग्रुप या कोई एटम प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है ना। तो यानी कि ये क्या करेगा, हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारे ऑर्थो पोजीशन पर। किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट हमारा लग रहा है, यानी कि ये इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। इसके पास कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको स्टेबलाइज करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले सी की। तो सी में ये जो OCH3 ग्रुप है ना, ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारे मेटा पोजीशन पे। और हमें पता है कि मेटा पोजीशन पे हम प्लस एम एंड माइनस एम को कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, देखो, जब हम एग्जांपल की बात करते हैं इस वाले की, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, या हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले एग्जांपल को, मैं लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। अब ये जो ए वाला मेरा एग्जांपल है ना, ए वाला जो एग्जांपल है, उसको हम इससे कंसिडर करते हैं। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे लगा हुआ है OCH3। अब OCH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने के कारण ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलाइज हो जाएगा। इसी प्रकार से
हमारे किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे यदि कोई एक ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इनक्रीज करेगा। जबकि अगर हम बात करें यदि कोई हमारे मेटा पोजीशन पर है, यदि कोई ग्रुप जैसे ये ग्रुप है ये हमारे किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो मेटा पोजीशन पर ये जो ग्रुप है ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, इसको हम कंसीडर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और OCH3 जो होता है ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अच्छा ये मुझे कैसे पता चला कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ये अपने क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। तो जो भी एटम या जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि ये सिस्टम क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इतना हो गया। अब यदि OCH3 की बात करें तो OCH3 भी क्या करता है, हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारी पैरा पोजीशन पर, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये पैरा पोजीशन पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे OCH3 है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। अब हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, माइनस आई कार्बोकैटायन को क्या करता है, अनस्टेबलाइज करता है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा सी वाला, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, सी वाला। उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो बी में ना प्लस एम इफेक्ट लग रहा है और ना माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, जबकि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले जो जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो बी में ऐसा कोई भी हमारा ग्रुप या एटम नहीं है जो इसको प्लस एम प्रोवाइड करवा सके, तो सी के बाद आ जाएगा बी, ठीक है। और बी के बाद अब बचते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इनमें हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, देखो जो प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं ना वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे वो पैरा पोजीशन पे हो वो सेम प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। अब ऐसे मत कह देना कि सर यहाँ पे प्लस जो चार्ज है कार्बोकैटायन है उसके पास में OCH3 है तो ये ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। हाँ अब तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट से इनका जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो बता नहीं पाएंगे, तो मैंने अभी पिछली लेक्चर में क्या बात की थी कि अगर हम देख रहे हैं प्लस एम, ठीक है, प्लस एम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें क्या देखना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट पे जाना चाहिए। तो OCH3 जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ये कार्बोकैटायन है 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ नंबर पर है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है 1, 2, ये सेकंड नंबर पर है, तो माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है और ये सेकंड पोजीशन पे यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसको अनस्टेबल कर देगा, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा तो इसके बाद ए आ जाएगा और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो डी होगा, क्योंकि डी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और वो इस पॉजिटिव चार्ज से काफ़ी दूर है। तो इस प्रकार से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप प्लस एम से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या हमारा जो प्लस एम है दोनों में इक्वल आ रहा है तो उसके बाद आपको किस में जाना है, इंडक्टिव इफेक्ट में मूव करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने जाना कि प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप या कौन कौन से एटम हैं जो प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट को शो करते हैं और हमारे जो कार्बोकैटायन हैं उनकी स्टेबिलिटी को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ पे आपको नीट और जेई के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी करवाते हैं और वो हम प्रत्येक चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।